अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलाउद्दीन है। आज मैं आपको रेडियोलॉजी FCPS पार्ट 1 के बारे में गाइड करूंगा कि कैसे पढ़ना है और कौन सी बुक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बुक्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उसमें है SK 1-13 रेडियोलॉजी, SK 14, SK 15, SK 16, SK KIM लास्ट डेज रिविजन नोट्स और AA नोट्स। इसके बाद है जो थ्योरी में थोड़ी जो इम्पोर्टेंट बुक्स है उसमें शॉर्ट स्नेल और PRS फिजियो प्लस माइनस। पढ़ना कैसे है रेडियोलॉजी के पेपर से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो हैं उनमें है कि सबसे टॉप पे कि रेडियोलॉजी में रेडियोलॉजी रिलेटेड कुछ भी नहीं आता, आपको बेसिक साइंसेस के बारे में पूछा जाता है और बेसिक साइंसेस में सबसे इम्पोर्टेंट इस फील्ड से रिलेटेड जो होती है वो एनाटॉमी होती है। एनाटॉमी आपको बहुत अच्छी करनी होगी रेडियोलॉजी में अगर आप अपीयर हो रहे हैं, उसके लिए आप फ्लो चार्ट्स बनाएं। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपने MCQs आज से शुरू करने हैं, MCQs आज से पढ़ने हैं, ये नहीं कि आपने एंड पे छोड़ने हैं। उससे रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो है SK 1-13 रेडियोलॉजी। इसकी सारे के सारे पेपर्स आपको करने होंगे, A to Z सारे पेपर्स आपको करने होंगे। एक पेपर भी आपने नहीं छोड़ना कि यहाँ से काफ़ी सवाल रिपीट होते हैं इस बुक से। उसके बाद आपने SK 14 और 15 से आपने सिर्फ और सिर्फ रेडियोलॉजी के पेपर करने हैं। 16 आपने कंप्लीट करनी है, 16 आपने कंप्लीट बुक पढ़नी है, सारी स्पेशलिटी के आपको पेपर्स वहाँ से करने होंगे, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आपने स्केड्यूल इस तरह बनाएं कि दिन के वक्त थ्योरी करें और रात के वक्त MCQs करें। थ्योरी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक थी वो है SK KIM लास्ट डेज रिविजन नोट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एनाटमी रिलेटेड और माइनर्स जिनमें जनरल एनाटमी हो गया, हिस्टो एम्ब्रियो हो गया, रेडियोलॉजी में इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा आता है, तो वो बहुत अच्छा हमने SK KIM लास्ट डेज रिविजन नोट्स में कंपाइल किया हुआ है। चैप्टर वाइज भी ख़ासकर इसमें जो ट्रैक्स हैं और जो है नर्व लीजन्स हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज है, जनरल एनाटॉमी रिलेटेड जितने भी MCQs हैं वो SK KIM लास्ट डेज रिविजन नोट्स में बहुत अच्छे से कंपाइल किए हुए हैं और इससे काफ़ी पेपर रिपीट भी होता है। वो आपको सारी की सारी ये बुक करनी होगी। अगर ये आप सारी बुक कर लेते हैं तो आपको BRS फिजियो, शॉर्ट स्नेल और फर्स्ट एड यू असेंबली ये बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इस एक बुक में हमने हर चीज़ को कंपाइल किया हुआ है, तो ये बुक आपको काफ़ी चीज़ों से आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होने देगी और काफ़ी चीज़ों से सेव करेगी। रेडियोलॉजी में जो MCQs एनाटॉमी रिलेटेड हैं ये आपको ओरिजिन इंसर्शन नहीं करनी, आपको कोर्स नहीं करना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है लीजन्स नर्व की, लिम्फेटिक ड्रेनेज हो गया, आर्टरीज की ब्रांचेस, ये रेडियोलॉजी में बहुत पूछा जाता है, इसका एक चार्ट बना लें। और हमने इसको SK KIM लास्ट रिविजन नोट्स में कवर किया हुआ है। SK 16 आपने अगेन कह रहा हूँ कि कंप्लीट करनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कंट्रोवर्शियल MCQs के आंसर्स हमने SK KIM लास्ट डेज रिविजन नोट्स में दिए हुए हैं, ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। आई विश ईच एंड एवरी वन ऑफ यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।